जय सिद्धेराव। नमस्कार, आर सी आई एजुकेशन हब से मैं डॉक्टर विजय कुमार आपका आर सी आई एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज आर सी आई के विभिन्न ब्लॉक्स की मैनेजमेंट टीम से मैं विद्यार्थी और अभिभावकों का परिचय करवाना चाहूँगा। इसके साथ में ही आर सी आई के विभिन्न जो ब्लॉक हैं उनके फ्यूचर प्लान और अब तक के किए गए शिक्षा के क्षेत्र के प्रयास से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा, आर सी आई कॉलेज जो बीए और बीएससी संचालित है, साथ में आर सी आई डिफेंस अकेडमी के एमडी मनोज कुमार जी, नमस्कार। उनसे आगे आर सी आई इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई आरबीएससी के प्रिंसिपल सर योगेश शर्मा जी, यहाँ मेरे पास में बैठे हुए हैं आर सी आई हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल सर लक्ष्मण प्रसाद सैनी जी, नमस्कार जी। आर सी आई ब्लॉक सी प्राइमरी ब्लॉक के हेडमास्टर दिनेश जांगिड़ जी और आर सी आई शिक्षा ग्रुप के सह निदेशक भूप सिंह यादव जी, आप सबसे हम एक एक ब्लॉक जो है उसको लेकर के आज उसके बारे में मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हम आर सी आई कॉलेज आर सी आई डिफेंस के संबंध में बात करना चाहेंगे और इसके लिए मैं आर सी आई डिफेंस और आर सी आई कॉलेज के एमडी मनोज कुमार जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अभिभावक और विद्यार्थियों को कॉलेज से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाएं। थैंक यू सर। हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश को देखते हुए एक अच्छे कॉलेज और कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले संस्थान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमने शहरों में देखा है कि वहाँ के विद्यार्थी कॉलेज के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी वहाँ करते रहते हैं और गाँव के बच्चे भी शहरों में पैसा व्यर्थ खर्च करते हैं। ऐसी समस्या को हमने देखते हुए यहाँ एक अलग कैंपस में बीए और बीएससी के साथ आरसीआई कॉलेज के नाम से हमने एक संस्थान की शुरुआत की है। हम यहाँ आरसीआई कॉलेज में डिफेंस एकेडमी से संबंधित कोर्सेज जिसमें एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाते हैं और उस अगर कोई विद्यार्थी एनडीए नेवी एयरफोर्स से संबंधित तैयारी नहीं करना चाहता है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज से संबंधित कोर्सेज भी हमने यहाँ चला रखे हैं, जैसे एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ, बैंक क्लर्क आदि। ये सभी कोर्सेज हम कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बेस्ट फैकल्टीज, जो टॉप मोस्ट जो फैकल्टीज है वो हमारे यहाँ कार्यरत हैं। अच्छा पढ़ाई का माहौल है, विद्यार्थियों के आने जाने के लिए भी हमने यहाँ अब की बार वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई है। जो विद्यार्थी अब कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन सबको बानसूर के मुख्य मार्गों से संस्थान तक पहुँचने और घर तक पहुँचने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध संस्थान द्वारा करवाया गया है। बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ से इसी सत्र में एनडीए नेवी और एयरफोर्स में भी विभिन्न विद्यार्थियों का चयन हुआ है, तो आगे भी हम भविष्य में इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे और बच्चों के भविष्य को सुधारने में, उनको संवारने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आर सी आई के प्रथम बैच में ही आर सी आई डिफेंस अकेडमी, जैसे सर ने बताया, पहला ही बैच था जिसमें एनडीए और नेवी एयरफोर्स में विद्यार्थियों के एग्जाम्स हुए, उसमें विद्यार्थियों का पहले ही बैच में यहाँ से एनडीए में सिलेक्शन आर सी आई डिफेंस से हुआ है। इसके साथ में यदि कॉलेज और डिफेंस में कोई विद्यार्थी और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आर सी आई का सिटी ऑफिस विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए हरसौरा चौराहे पर खोला गया है, वहाँ पर भी विद्यार्थी और अभिभावक कॉलेज से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉलेज का जो कैंपस है वो एक अलग कैंपस हमने बनाया है, वो स्कूल के कैंपस से अलग है और इसमें सभी लड़के और लड़कियां जो हैं इसके कॉलेज में प्रवेश बीएससी और बीए के लिए ले सकते हैं। मैं इसके आगे आरसीआई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएससी के प्रिंसिपल सर योगेश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि वो भी अपना जो इंग्लिश मीडियम ब्लॉक है इसके बारे में अभिभावकों को जानकारियाँ दें। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीबीएसई एवं आरबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में एकेडमिक लेवल तो बहुत अच्छा चल ही रहा था, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि क्यों ना बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये
ऑब्जर्व किया कि बच्चे परफॉर्म तो कर रहे हैं, रिजल्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज़ जो है किस तरह से रिजल्ट जो है वो किस तरह से आ रहा है। उसके लिए मैं इस सत्र में प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्सेस और एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग को लेकर के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को इस सत्र में एक्टिवेट कर रहा हूँ, जिसके लिए प्राइमरी लेवल से लेकर के हम सीनियर लेवल तक, ताकि बच्चा एक प्रेजेंटेबल होकर के एक अपनी नई पहचान बना सके। और साथ ही में हम इस सत्र में काफ़ी सारी कंपटीशन, जैसे कि NTSC, ओलंपियाड और KVPY तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाने जा रहे हैं, ताकि बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ सके। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने जैसा बताया कि RCI इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज़, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में RCI के विद्यार्थी जो हैं वो रेगुलर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के माध्यम से स्कूल का नाम, हमारे क्षेत्र का नाम, बांसू का नाम पूरे राजस्थान में पहले भी इन्होंने की गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत करके और RCI और बांसू का नाम रोशन किया है। और उसी एक्टिविटीज़ को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए सर फ्यूचर प्लान जो है वो बना रहे हैं निश्चित है इस क्षेत्र में, क्योंकि आज बच्चा जो है उसको पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे विद्यार्थी का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम में इस बार फाउंडेशन की जो क्लासेज हैं 11वीं कक्षा जो है उससे हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए 25 जुलाई को भी एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें विद्यार्थी भाग लेंगे। उसके बाद में विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं में स्कूल फीस जो है उसी में, अर्थात निःशुल्क फाउंडेशन की जो क्लासें हैं वो इंग्लिश मीडियम ब्लॉक जो है उसकी तरफ से दिया जाएगा। इसके लिए मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय में आकर के और इस संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि फाउंडेशन के लिए किस प्रकार से उनको फॉर्म फिलअप करना है और उसमें क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या सिलेबस उसमें आएगा, उसके लिए आप कैंपस में आके संपर्क कर सकते हैं। इसके आगे RCI हिंदी मीडियम स्कूल, जैसा कि हमारे यहाँ शुरुआत जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल से ही हुई है, तो उस RCI हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल सर लक्ष्मण प्रसाद सैनी जी हमारे बीच में है, तो वो हिंदी मीडियम से संबंधित जो जानकारी है वो आप तक उपलब्ध करवाएंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं RCI की बात करूँ तो हिंदी माध्यम से ही शुरू हुआ, बांसुर में सबसे पहले हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय RCI ही रहा। उन्होंने 2010 से अपनी शुरुआत की, हर वर्ष तहसील टॉप किया, जिला स्तर पर टॉप किया और स्टेट मेरिट भी RCI ने दिए, साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाम भी दिया। प्रणाम के पीछे RCI की जो सर्वश्रेष्ठ टीम है, RCI के अभिभावक जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, साथ ही हमारी बेस्ट प्लानिंग, हमने बहुत अच्छी प्लानिंग करके बच्चों को तैयार किया, जिसका परिणाम है कि आज RCI बांसुर में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रही है। और मैं भविष्य की बात करूं तो RCI हिंदी माध्यम में भी इस बार फाउंडेशन क्लासें प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, बांसुर में ही वो फाउंडेशन क्लासें बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। बाहर जाकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हॉस्टलों में, PG में रखना पड़ता है, वहाँ जाकर बच्चे दिशा भटक जाते हैं, यहाँ घर से आकर के बच्चे फाउंडेशन क्लासें निःशुल्क RCI से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो विद्यालय कैंपस है उसमें जो सुविधाओं की बात करूं, छात्र छात्राओं के लिए पृथक पृथक से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, जो बच्चों को कभी भी कैंपस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती और बच्चे आराम से अध्ययन करके घर तक वाहनों के द्वारा जाते हैं और आते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसा सर ने बताया, एक्चुअली RCI बांसुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बांसुर की बनाने के लिए, बांसुर में बहुत अधिक प्रयास भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पूरी टीम ने किया है और उस प्रयास में सफल भी रहे कि बांसुर जो है उससे जिला लेवल पर मेरिट देना, स्टेट मेरिट, जैसे सर ने बताया अलवर जिले में प्रथम जो स्थान है वो बांसुर का रहा हुआ है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में राजस्थान जो है उसका टॉपर विद्यार्थी RCI से रहे हुए हैं।
इसके साथ में जैसे सर ने बताया कि आरसीआई हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल या किसी भी ब्लॉक की मैं बात करूं, इन सब रिजल्ट्स के पीछे हमारी पूरी टीम जो है उसके साथ साथ में मैनेजमेंट टीम की प्लानिंग होती है, और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, विद्यार्थियों तक, विद्यार्थी जो हैं उन तक, उस पेरेंट्स की जो पेरेंट्स के पास में विद्यार्थियों की जो रिपोर्ट है वो रेगुलर पहुंचे, इसके लिए हमने दो तीन सिस्टम जो है कैंपस में कर रखे हैं। पहला जैसे एक डायरी सिस्टम, उस डायरी के माध्यम से हम टेस्ट की रिपोर्ट, बच्चे की कंप्लीट जो एक्टिविटीज है उसकी रिपोर्ट, उसकी यदि कोई कंप्लेंट्स हैं, उसके और कुछ सुझाव अगर उसके पेरेंट्स से लेने तो हम उस डायरी के माध्यम से कम्युनिकेशन पेरेंट्स से रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरी के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुँचती है। इसी के साथ में विद्यार्थी की और जो रिपोर्ट है और पेरेंट्स के साथ में, टीचर के साथ में, बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन रहे, इसके लिए साल में लगभग 2 या 3 बार हम मिनिमम 3 बार जो है पीटीएम जो है रखते हैं, और उसमें पेरेंट्स का बच्चे के साथ में आना कंपलसरी होता है। उस दिन सभी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की रिपोर्ट के लिए एक एक टीचर से बात कर सकते हैं। तो विद्यालय की जो प्लानिंग है, जो बेस्ट प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, उसी का परिणाम है कि सभी जो ब्लॉक्स हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं। इस पर भरे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आरसीआई प्राइमरी ब्लॉक के हेडमास्टर दिनेश जी से मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मकान की जैसे नींव मजबूत होती है, उसी प्रकार बच्चों के लिए छोटी क्लासेज होती है, उनको बहुत अच्छे से तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमारे यहाँ आरसीआई में छोटे बच्चों के लिए अलग से एक कैंपस बना रखा है, जिससे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको पढ़ाने का, समझाने का, खेलने का, सभी प्रकार के जो तरीके होते हैं छोटे बच्चों के लिए अलग होते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि इंग्लिश मीडियम का भी प्राइमरी ब्लॉक अलग कर रखा है, हिंदी मीडियम का प्राइमरी ब्लॉक भी हमने सेपरेट कर रखा है, ताकि छोटे बच्चे जो हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ स्टाफ जो है वो उनको समझा सके, खेल खेल में सिखा सके, और उसी में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके लिए मैं दिनेश जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह अभिभावकों को इसके संबंध में जानकारी दें। नमस्ते सर, मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक का विद्यालय एक अलग भवन में संचालित होता है। उसके लिए कक्षा नर्सरी में 3.5 साल के बच्चों का प्रवेश शुरू हो जाता है। हम यहाँ बच्चों को प्रयास करते हैं कि बच्चों को खेल खेल में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, इसके लिए हम टीचिंग एड्स, खिलौने, चार्ट, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते हैं। साथ ही हम स्टाफ को वीकली, मंथली और ईयरली प्लान बनाने के लिए मोटिवेट करते, प्लान के अनुसार बच्चों को, जो बच्चा जिस क्लास में रहता है उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है। हमने देखा कोरोना काल में बच्चों को, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी स्टाफ की मेहनत से इस बार जो 5वीं बोर्ड का परिणाम आया उसमें 85% से अधिक छात्रों ने ए ग्रेड हासिल की, ये स्टाफ की मेहनत का ही परिणाम है। हम बच्चों की डायरी और पीटीएम के माध्यम से भी अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं, समय समय पर डायरी के माध्यम से बच्चों के नंबर, बच्चों की रैंक और अन्य गतिविधियां हम स्टाफ तक, स्टाफ अभिभावकों के पास पहुंचाता है। साथ ही पीटीएम के द्वारा हम बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को बताते हैं। साथ ही यहाँ पर खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था है, छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और अन्य गतिविधियाँ संचालित करते हैं, इसके लिए हमने अलग से बढ़िया खेल का मैदान तैयार किया है छोटे बच्चों के लिए। हमने इस प्रकार से अपने स्कूल को संचालित किया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं, जैसे बच्चे अच्छे नागरिक, भविष्य में अच्छे नागरिक बने, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूरी हैं, जो बच्चों को आगे हम अच्छे नागरिक बनाने में हमें बच्चों को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया 5वीं क्लास में 85% विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, इसके अलावा अन्य सभी बोर्ड कक्षाओं में भी, चाहे वो 8वीं बोर्ड की क्लास हो, 10th हो, 12th साइंस हो, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, सभी संकाय में आरसीआई के विद्यार्थियों ने बानसूर क्षेत्र में शिक्षा की एक अलग जगाने के लिए अपने प्रयास करके बानसू का नाम पूरे अलवर जिले ही राजस्थान में रोशन किया। 90% से अधिक सर्वाधिक विद्यार्थी बोर्ड कक्षाओं में, 80% से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, बहुत अधिक संख्या 137 विद्यार्थियों ने ये अंक जो प्राप्त किए 80+ के, वो सब आरसीआई से आए हैं, और ये सब हमारी पूरी टीम की मेहनत और प्लानिंग के ही रिजल्ट्स हैं कि आरसीआई से लगातार नियमित जो है अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आते रहते हैं, और आगे भी इसी प्रकार से आपके सामने हम आपके बच्चों के
रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे देने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी टीम जो है वो मेहनत में एकजुट होकर के मेहनत करती रहती है। पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ काम किया जाता है। तो अभिभावक जिन्होंने आरसीआई कैंपस पर विश्वास किया, आरसीआई किसी भी ब्लॉक पर विश्वास किया है, तो मैं पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से विश्वास दिलवाना चाहूँगा कि आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा किसी भी ब्लॉक में पढ़े, सब जगह की टीम सेपरेट है, सब जगह की प्लानिंग जो है वो एक रूपता दे करके हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। बीच में मैं हॉस्टल से संबंधित, पीजी से संबंधित जानकारियों के लिए भूप सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पीजी जो संचालित है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के, कक्षा छठी से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थी रहते हैं, तो उनको पारिवारिक जो माहौल जो है वो किस प्रकार से यहाँ महसूस होता है, उसके लिए क्या प्लान आपके यहाँ किया हुआ है, उसके बारे में जानकारी दें। थैंक यू सर। नमस्कार। जो बच्चे विद्यार्थी कमज़ोर हैं, पीजी से संबंधित बातें मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम, डिफेंस, हिंदी मीडियम के जो बच्चे विशेष कमज़ोर हैं या उनको घर पर पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम में बच्चों को 4:30 बजे के लगभग उठा दिया जाता है। उसके बाद रोज़मर्रा का कार्य करके बच्चे योगा क्लास करते हैं। योगा क्लास के बाद में व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज जितने भी होते हैं वो करने के बाद सेल्फ स्टडी होती है। उसके बाद में जैसे स्कूल के माहौल में बच्चे ढल जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, फिर उसके लिए जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं तो इवनिंग टाइम में, शाम टाइम में उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन, मैथ की क्लासेस, हिंदी लेख राइटिंग के लिए जो सुधार होता है उसके लिए, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश का क्लास हो गया, ये क्लासेस उनकी लगती हैं। रात के टाइम में लगभग 3 घंटे उनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है। वो 3 घंटे रात को सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी पीजी में घर जैसा माहौल मिलता है, इसलिए सर उनको घर की याद नहीं आती है। लगभग कोशिश ये होती है कि एक ही रूम में बच्चे एक ही क्लास के उसमें रहते हैं, जैसे 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास के ही होंगे, जिससे कि कोई डाउट होता है तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो साइंस के बच्चे एक ही रूम में, जैसे 12th के हैं तो लगभग एक रूम में 4-5 बच्चों को शिफ्ट किया जाता है, अलग ऊंचा बेड दिया जाता है, अलग से टेबल होता है, हर सुविधाएं ऐसी दी जाती है कि बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। अभिभावक जैसे आते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ घर जैसा माहौल मिल रहा है, तो सभी यहाँ से जितने भी सुविधाएँ देखते हैं उनसे खुश होकर जाते हैं। थैंक यू सर। हॉस्टल से संबंधित जानकारियाँ भूप सिंह जी ने सभी अभिभावकों से शेयर की। मैं बता दूं कि बच्चे को स्कूल के साथ साथ हॉस्टल में रहने का मतलब, आज तक का हॉस्टल का कोई भी रिजल्ट किसी भी सत्र का अगर उठाया जाए तो पीजी में रहने वाले सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है बोर्ड कक्षाओं का 100% रहा है, और उसके लिए हमारे यहाँ हॉस्टल इंचार्ज और हॉस्टल वार्डन्स जो हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो भी हॉस्टल में काम करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को घर जैसे माहौल में रह करके एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ने का पूरा माहौल मिले और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधाएँ नहीं हो। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमेशा आरसीआई शिक्षा परिवार अभिभावकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा है, हमेशा से नवाचार करने के लिए हम प्रयासरत रहे हैं, हमेशा नई व्यवस्थाएं विद्यार्थियों की और अभिभावकों की इंक्वायरी के अकॉर्डिंग हम उसमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसा कि आरसीआई कैंपस में पहुंचने में पहले सुभाष सर्किल से राउंड लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर विद्यार्थी या अभिभावकों को आना पड़ता था, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज कल इधर से कोटपुतली रोड से, मात्र कोटपुतली रोड से 200 मीटर अंदर कैंपस अब हो चुका है, अर्थात कोटपुतली रोड पर ही आजकल जो आप डायरेक्ट इधर से आ सकते हैं, उधर से आने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी के अलावा अभिभावकों को चाहे किसी भी ब्लॉक में विद्यार्थी पढ़े, अगर वो कैंपस तक पहुंचने में किसी प्रकार से असुविधा हो रही है और मार्केट तक पहुंचते हैं तो आरसीआई सिटी ऑफिस जो है उसका शुभारंभ हमने हरसोरा चौराहे पर किया है, वहां तक अभिभावक पहुंच सकते हैं, चाहे ब्लॉक में किसी में भी उनका बच्चा पढ़ता हो, वहां आकर के वो बच्चे से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट
वो जानना चाहें वहाँ पर रिपोर्ट मिल सकती है। एडमिशन से संबंधित इंक्वायरियाँ जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की सत्र के दौरान चलने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और टेस्ट की रिपोर्ट अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी सिटी ऑफिस जो है उसमें मिल करके और पेरेंट्स वहाँ से ले सकते हैं। फिर भी यदि अभिभावक को लगे कि मुझे कैंपस तक पहुँचना है तो किसी भी ब्लॉक में उनको पहुँचना हो तो RCI सिटी ऑफिस तक अगर वो पहुँचते हैं तो वहाँ से निःशुल्क एक ई रिक्शे की व्यवस्था हमारे संस्थान की ओर से की गई है। अभिभावक वहाँ तक पहुँचे उनको ई रिक्शे के माध्यम से किसी भी कैंपस में हमारा जो ऑटो चालक है वो पहुँचाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे परिवर्तन होता है संस्थान परिवर्तन की हमेशा सोचता रहा है। जैसे कि कॉलेज के लिए आपको मनोज जी ने बताया कि RCI कॉलेज जो है उसका जैसा माहौल सिटी में था केवल विद्यार्थी 3 साल तक अपने जीवन में ग्रेजुएशन के साथ में जिस फील्ड को लेकर के जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसमें वो अपनी सफलता प्राप्त कर सके। इसी प्रकार स्कूल लेवल पर भी जैसे आपको हमने पहले बताया कि विद्यार्थी 10वीं के बाद में ही अभिभावक और विद्यार्थी चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसकी फाउंडेशन की जो तैयारी है कक्षा 11वीं से प्रारंभ कर दी जाए। उसके बैचेज भी मैंने पहले भी बताया कि उसके बैच इस बार से हम निःशुल्क प्रारंभ कर रहे हैं। उसके लिए 25 जुलाई का जो एग्जाम है उसको विद्यार्थी दें, उसके लिए कैंपस में आकर के जो फॉर्म भरा जा रहा है या अपना नाम जो रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं आप सबको विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि यहाँ अच्छी मेहनत के साथ में अच्छी प्लानिंग, अच्छी टीम और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ में RCI के सभी ब्लॉक्स के रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन रहें, इसके लिए हम पूरा प्रयास जो है करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और ये हमारी जो प्लानिंग जो है वो इसी पर है, हमारा बेस भी यही है कि सभी जो ब्लॉक है उनमें समस्त जो स्टाफ है अच्छी मेहनत, अच्छी प्लानिंग और अच्छे अनुशासन के साथ में विद्यार्थियों के साथ में मेहनत करें, जिससे हमारे सभी ब्लॉक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छे आते रहे हैं, आते रहेंगे। मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने RCI परिवार के सभी ब्लॉक जो है उन पर विश्वास किया और उसी का परिणाम है कि RCI के सभी ब्लॉक्स में हमें एडमिशन्स जो है बंद करने पड़े हैं। कई दिनों से एडमिशन्स जो है वो चाहे ब्लॉक एच हो, चाहे ब्लॉक ई हो, चाहे ब्लॉक हमारा पी हो, मैं जानकारी दे दूं आपको कि यदि आप आए तो ब्लॉक डी में कॉलेज और डिफेंस चलता है, ब्लॉक ई जो है उसमें RCI इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है, ब्लॉक एच में RCI हिंदी मीडियम का सीनियर ब्लॉक चलता है और ब्लॉक सी जो है उसमें हमारे प्राइमरी ब्लॉक चलता है। इसी प्रकार जो ब्लॉक जो हॉस्टल का है इन सब में पूरी प्लानिंग के साथ में सभी एडमिशन्स जो हैं वो आप सबके सहयोग से क्लोज हो चुके हैं और आपने जो विश्वास करके एडमिशन करवाया हम पूरी टीम के साथ में विश्वास दिलवाते हैं, हमारे स्टाफ पर विश्वास करके आपको विश्वास दिलवाते हैं कि जो आपने विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरेंगे। आपके विद्यार्थी आपके बच्चे के भी परिणाम इसी प्रकार जिस प्रकार और बच्चों के अब तक आते रहे बेहतर से बेहतरीन आएंगे, इसके लिए हम आपको विश्वास दिलवाते हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।